पसंद नहीं पसंद आई इसलिए क्योंकि ऑलरेडी इनकी गर्लफ्रेंड ने बोल दिया होगा ना, उसने दिया सही से बता देना यार ये पगला गई है। मतलब दिवाली के पहले ना एक त्यौहार आप अच्छे से जाने दो, सही से बता दो, जवाब दे दो, मैं तो सोच रहे ना बहुत बुरा हो जाएगा। लड़की हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड है। हे गाइस गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रात के बज रहे हैं 12:30 और अब जाके आपका रोज रात को 12:30 बज रहे हैं। हाँ ये देखो 12:30 हो रहा है और अभी हम लोग जाके फ्री हुए हैं, थोड़ा काम उम करके मैंने ये सेटअप कर दिया है कंदेल और लाइटिंग वगैरह का, लेकिन यहाँ से लाना पड़ रहा है। मेरे को लग रहा है एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा ताकि वो उधर ही से जले, क्योंकि ये वायर आ रहा है तो मेरे को डर है कि आयु छू ना दे, बट मैं कल ट्राई करता हूँ क्योंकि अभी बहुत रात हो गई है और मैं थक भी गया हूँ बहुत। तो मैं कल एक मिनट का भी टाइम जरा छुट्टी रहती है कि घर की साफ सफाई, इसको तो खाली बस यही करना है। रात के 12:30 बजे तक तो ये काम कर रही है, सारा मेकअप, तुम्हारा मेकअप ही खत्म नहीं होता ढूंढ। हाँ सुबह भर सो ही रहती हो, बोलता हूँ सुबह सोना मत करो। क्या काम रहता है? हाँ आपके पास जैसे ऑफिस का काम रहता है वैसे मेरे पास घर के काम रहते हैं। इनके पास इस बार दिवाली की सफाई के लिए एक दिन का भी छुट्टी नहीं मिला है, मतलब एक की एक दिन का नहीं मिला है, तो चलो रात में थोड़ा सा जाके तो नहीं मिला गाइस, तो नहीं मिला क्या ही कर सकते हैं, काम है तो जहान है, काम नहीं तो कुछ भी नहीं। रात को थोड़ा जाग के कर दो, ये भी नहीं हेल्प करने के। तुम तो क्या रात को अभी 12:30 बज गया, फेंक दूंगी इनका कोई भी सामान तो इसमें भी गुस्सा नाराज हो जाएंगे, तो मेरा ये सामान क्यों छू दी, वो तो पूछ के रखो ना। मतलब फिर मैं इसके मेकअप में दिखाता हूँ, आप हंसोगे देख के। इसके मेकअप में ना सिरप भी है, दवाई भी है और दांत दर्द का है, सब एवरीथिंग मिलेगा इसके मेकअप के टूल्स मेकअप के डब्बे में, समझ लो। पगला गई है, पगला गई है रात को गाइस, पगला गई है और कुछ नहीं, इसको पागल चल रहा है। क्या चालू करो, चालू करो यार, गर्मी बोल रहा हूँ अभी गाइस, सही बोल रहा हूँ, इतना थकान हो रही है और इतनी गर्मी हो रही है ना, ठंडी का भले ही मौसम है लेकिन मुंबई में ना गाइस ठंडी नहीं लग रही उतना, मैं मुंबई में एकदम ठंडी नहीं लग रही है, खाली बाहर निकलो गाड़ी से जाओ ना तो थोड़ा हवा जो लगता है ना उससे लगता है कि भाई थोड़ा ठंडा है, बट इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता ठंडा लग रहा है। बट मैं चाह रहा हूँ कि अभी फटाफट हो जाए, मेरी आँखें भी ढल रही है तो मैं सो जाऊँ, बट ये मेरे को सोने नहीं देगी यार, ये काम करना है वो काम करना है। मेरे को 12:30 बजे से दोपहर से ही मेरे को कर रही थी कि भाई प्लीज़ आ जाना, करना है ये सारे काम करना है, रखने हैं साड़ी, रखने हैं सब जो काम की है, ठीक है नहीं तो बाहर रख देंगे, तुम्हारे कपड़े जो काम के हैं नहीं तो बाहर रख देंगे। तो गाइज़ ये अपना गिफ्ट दिखा रही है ना, गिफ्ट नहीं है ये, क्या है ये जो भी तेरा पसारा है, मैं बताता हूँ मुझे जो ऑफिस से मिला है, आज मुझे ऑफिस से गिफ्ट मिला है वो भी कुर्ता, बहुत ही अच्छा मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखोगे तो बोलोगे हाँ चॉइस जिसने भी लिया है बहुत अच्छी चॉइस की है। मैं अपना बता दो किसने दिया आपको, झूठ बोलोगे तो बहुत ज्यादा ये मेरा गाइस कुर्ता, ये मैंने अपने बैग में रखा हुआ था, मस्त वाह सीक्वेंस में वाह, मतलब मैं नहीं खरीद पाई तो गए किसी और लड़की ने आपको, अच्छा बोली इसीलिए मेरे साथ, इधर आओ साथ एक मिनट देखो, तो अच्छा लगा ना आपको गाइस, ऐसे मेरे को भी बहुत, एक मिनट ये मुझे पहले बात बताओ, कल मैं आपके साथ लेके गई इनको मैं, तो मेरे साथ इन्होंने कुर्ता पहना नहीं, मुझे ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद, मतलब मेरी पसंद नहीं पसंद आई इसलिए क्योंकि इनको ऑलरेडी इनकी गर्लफ्रेंड ने बोल दिया होगा ना, गर्लफ्रेंड बना आई है ना वापस आपके इसमें, नहीं बाबा तो क्या नई गर्लफ्रेंड है कि जिसने आपको बोला है कि अब मैं तेरे लिए कुर्ता खरीदती हूँ तू रहने देगा, अपनी बीवी का क्या तेरा चॉइस, तो मेरी चॉइस आपको कोई पसंद नहीं आ रही, जान दो कल ये इंसान ने मुझे 12:30 तक रात देती है, मुझे बहलाया फुसलाया कि भाई मेरे को ये नहीं पसंद है, मतलब पूरा मार्केट छान डाला, आठ कम से कम दुकान इन्होंने छान डाले, मॉल गए थे आपने देखा होगा ब्लॉग में, और ये इंसान ने मेरी पसंद को हमेशा डिनाई कर दिया, और आज कुर्ता लेके आया है, इसकी पसंद जो ले रही थी ना वो 36 साइज ले रही थी, 34 साइज ले रही थी, तो साइज ही नहीं पता, कलर भी जो चूज कर रही थी एकदम अतरंगी बतरंगी कलर था, तो मेरे को समझ में नहीं है, मैं बोला अभी जान दो इसको बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा, तो वहाँ पे तो इसलिए मैं बोला जान दो, फिर मुझे पता चला जब मैं सुबह गया, मैं बोला आज प्लान करूंगा कुर्ता लेने का, बट
फाइनली मुझे गिफ्ट मिल गया। आपका ऑलरेडी प्लान था, इनका ऑलरेडी प्लान था कि मेरे को कोई गिफ्ट देने वाली, तो उसने शायद से पहले ही बोल दिया होगा कि मैं तुझे गिफ्ट देने वाली हूँ, तो तू भाई कुर्ता मत लेना। इसलिए मैं कल जब पसंद करी थी एक फॉर्मेलिटी बेस के लिए मेरे साथ गए, लेकिन एक भी कुर्ता पसंद नहीं किया। किसने दिया सही से बता देना यार, ये पगला गई है। किसने दिया? ऑफिस में तो ऐसा नहीं होता है, कुर्ता बांटो देते हैं एक दूसरे को। कुर्ता बांटो सेरेमनी नहीं होती है, कुर्ता बांटो नहीं यार। किसने दिया? जिसने दे दिया दे दिया, गिफ्ट गिफ्ट होता है, सब अपने अपने लोग कोई ना कोई गिफ्ट कर रहा है अपने अपने लोगों को। मतलब आप भी किसी के अपने हो? मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था, मतलब झूठ मत बोलो, आपका भी झूठ पकड़ा गया। ये मेरे को इसलिए दिखा नहीं रहे थे कुछ भी गाइस, ये कुछ भी सोच रही है। क्या बोल रही हो तुम? कुछ भी बोल रही हो क्या? गिफ्ट मिला तो गिफ्ट गिफ्ट होता तो गिफ्ट ही बोलूंगा ना उसको, क्या और क्या बोलूंगा। ये इंसान ना मैं सब समझ गई, मतलब दिवाली के पहले ना एक त्यौहार आप अच्छे से जाने दो, सही से बता दो, जवाब दे दो, नहीं तो सोच रहे ना बहुत बुरा हो जाएगा। कुछ बुरा नहीं होगा, तुम जाओ अपना। मैं कोई काम करने बैठती हूँ ना एकदम दिमाग का खराब करके रख दिया है आप। क्या खराब हो गया? किसने गिफ्ट किया आपको? ये दोस्त लोगों ने दिया है। दोस्त? अभी इन्होंने बोला कि लड़की ने गिफ्ट किया है। लड़की ने गिफ्ट किया है, दोस्ती हुई ना यार, लड़की है तो दोस्ती सही, अब उसके लिए और क्या बोलूं उसको। मुझे मालूम है किसी बाहरने वाली ने गिफ्ट कुछ नहीं। देखो ये पसारा है, पहले रखो ये, कितना मेरा जवाब नहीं दिया ना वो, तुम हटाओ पहले रखो, चलो मुझे आपसे बात ही नहीं करने का। ठीक है मत करो, जाओ ना, मैं भी फिर चली जाती हूँ। बनाओ अपनी दिवाली, जिसने आपको गिफ्ट दिया उसी के साथ। तो ये भी सही बात है, दिवाली मना लेता हूं। सच अब आया ना, जब तुम शक कर रही हो, शक्की बीवी की तरह शक्की रह रही हो। लड़की ने गिफ्ट किया, ये इन्होंने खुद ही पहले ही मुझसे बोल दिया है। तो गिफ्ट किया, लड़की ने गिफ्ट किया तो किया गाइस, किया। लड़की नहीं गर्लफ्रेंड है, सही से बोलो। अब लड़की हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड है, गर्ल एंड फ्रेंड प्लस मिला के गर्लफ्रेंड, तो गर्लफ्रेंड हो गई, काम खत्म। ठीक है तो तुम ये ज्यादा मत हो करो, तुम जाओ अपना काम करो, उठ के मेरे पीछे पीछे नाच रही हो, पता नहीं। बात मत करना, दिवाली उसी के साथ मनाना, कुछ नहीं बनाऊंगी, बात मत करना, समझा? क्या बात नहीं करना, बात नहीं करना ना, तो ठीक है नहीं करेंगे, छोड़ो, क्या जरूरी है। मेरे को तो कुर्ता मिल गया जैसा चाहिए था, मैं चूज कर रहा था वैसा मेरे को मिल गया, जिसकी पसंद का चाहिए था उसकी पसंद का मिल गया। हाँ हाँ पसंद है उसको, उसको पता है कि कैसी पसंद है, अच्छी पसंद है, तो हो गया खत्म, ले लिया। हाँ तो अच्छी बात है, दुनिया ऐसी होनी चाहिए गाइस। तो आपको भी कोई कुर्ता गिफ्ट दे तो आप प्लीज ले लेना, और घर पे बता देना कि हाँ गिफ्ट मिला है, मैंने मेरे को मिला, मैंने बता दिया गाइस, तो उसका बतंगड़ा बना रही है ये, इसको इतना दिमाग नहीं है। हाँ दिमाग इसका ना घास चरने गया है, ठीक है ना। इनको काम नहीं करना है ना, अड़बंग करते हैं। हाँ तो मैं अड़बंग क्या करता हूँ, जो सच्चाई वो बता दिया, जैसे काम करने का टाइम है ना वैसे ही मिर्ची लगा दिए हैं, अभी तक जब तक आए थे तब तक दिखाए नहीं। मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं देता, बस आप ही को सब गिफ्ट मिलता है हमेशा। अरे किच 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 कितना किच 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 करती है, किच 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 बंद करना यार। मैं किच किच बंद करती हूँ, और जो दिए उसी से किच किच अच्छे से। कौन देगा है ना? अरे वो लड़की दी जो स्टोर पे गया था खरीदने ना, उसने खरीद दिया मेरे को। अभी बोले मुझे ऑफिस में मिला। हाँ तो क्योंकि मैं क्योंकि मैं तेरे पे प्रैंक कर रहा था। मैं बस और भी काम नहीं है दिवाली में, सीन के साथ में प्रैंक कराओ, अभी तुम्हारा रात भर तुमको जगा के ना पूरा घर साफ करवा। तो गाइस मैं गया था स्टोर पे, एक लड़की थी वहाँ पे, तो उसने मुझे ये कुर्ता दिया, बोला आपके ऊपर जचेगा आप ये लेके जाओ, तो हाँ तो पैसा भी लिया ना, पैसा तो लेगी वो, इसलिए थोड़ा फेंकी वो की कि भाई सेल हो जाए तो सेल करके ले जाए, थोड़ा फेंकना पड़ता है सेल्स में, तो उसने बोला मैंने खरीद लिया, अच्छा लग रहा था मेरे को भी, तो मैंने लेके आ गया गाइस। तो कैसा लगा ये मेरा कुर्ता प्लीज कमेंट करके बताना, और कुर्ते ने बवाल कर दिया आपके, इतनी छोटी छोटी बात को नहीं इतना बड़ा खींचते ना, मेरे को मिर्ची लगाते हैं हमेशा, इनको बताती हूँ मैं, बस दिवाली बीत जाए। व्लॉग में एकदम प्रैंक हो गया गाइस। हाँ तो गाइस अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आओ मेरी हेल्प करो अभी नहीं, अब मेरे को नींद आ रही है तो मैं सोऊंगा जरूर। अरे जल्दी से हो जाएगा यार। नहीं मैं नहीं आऊंगा, बट आओ यार प्लीज यार, नॉट इनको बोल दो यार, फैमिली थोड़ा हेल्प किया करे यार, एटलीस्ट दिवाली के टाइम पे तो सपोर्ट करे। कोई नहीं गाइस, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।